का स्वागत है। समाचार की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर। उमरसाड़ी गांव के एक मछुआरे ने मौत को दी मार। सिलवासा में ससुर ने बहू के ऊपर किया था दुष्कर्म, आरोपी को मिले 7 दिन के रिमांड। दमन में विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई विशाल रैली। टुकवाड़ा में फिर से सरपंच के सामने सभ्यों ने रखी अविश्वास की दरखास्त। अब समाचार विस्तार से। उमरसाड़ी का एक मछुआरा समुद्र के पानी में गिरा था, जो कि खुद ही उसने मौत को दी थी मार, पर 12 घंटों तक नहीं पहुंचा था कोई भी प्रशासन। लापरवाही के चलते लोग हुए नाराज। उमरसाड़ी कस्टम फलिया में रहते ईश्वर भाई टंडेल अपनी नाव लेके समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे। रात को लघु शंका करते समय वो समुद्र के पानी में गिर पड़े थे, जबकि अन्य मछुआरे सोते रहे थे। बाद में मालूम हुआ कि ईश्वर भाई गिर गए हैं, जो कि 14 घंटों के बाद उमरसाड़ी गांव के लोग और कोसंबा दीवादांडी के मछुआरों ने ईश्वर भाई को बचाया था। घटना के चलते दमन कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई, पर उसके लिए एविडेंस मांगे गए, जिसके चलते दमन कोस्ट गार्ड का अंधा कानून सामने आया, जिसके बारे में लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही मूल वतन विधायक कनुभाई देसाई का गांव होने के बावजूद कोई भी मदद नहीं की गई थी, जो कि मछुआरे को बचा लिया गया हो, परिवार की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए थे। तो अब प्रशासन क्यों नींद में सो रहा है, ऐसे लोग प्रश्न उठा रहे हैं। एम तो ये लोग को विन बांधवा गेला था, मैंने 3 वर्ष पहला तो यहाँ 8-9 वागे निकली जाए, मैं निकली जाए पीछे त्याँ थोड़ा टाइम मतलब पची थी त्याँ थी निकली, ये लगभग 12 वागे निकली आ से बाकी एक ना घड़ा में ते दिवसे हवा पर थी अने थोड़ा मोजावाड़ा तो वातावरण जो खराब होत ठंडी प्रमाण थू एटले ये लोग 1 वागे निकली आता। 1 वागे निकली आता मेरे बीजा 2 क्लासी था ये सूई गया था, અને તે વખતે એ સૂઈ ગયા હતા અને તે અરસામાં એને કદાચ પેશાબ જેવું લાગ્યું હશે, તે ઉઠીને કરવા ગયો હશે અને મોજાના લીધે આ બહાર પડી ગયો પડી ગયો અને એ લગભગ 1-2 ના ગાળામાં પડી ગયો હશે અને તે વખતે ઓઢ હતી અને પછી વીણ હતી અને વીણ આવી એટલે કરંટમાં ખેલાતો ખેલાતો લગભગ દિવસના 10 વાગે ના ગાળામાં કોઈ બીજી બોટ મળી કસંબાની અને તેમાં એને લઈ લીધા અને ત્યાં સારવાર કરીને પછી પાછો સેસમણ આવ્યો। उमरसाड़ी के एक मछुआरे ने मौत को दी मात। लगातार 12 घंटों तक मौत के साथ बीड़ी थी बात, जो कि मछुआरे को सही सलामत बाहर लाया गया। पार्टी के उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव में कस्टम फली में रहते ईश्वर भाई कांतिलाल टंडेल उनके गांव में कल्पेश और कुमार भाई के साथ जय भुवनेश्वर नामक नाव में सवार होकर गुरुवार रात को 10 बजे मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। रात को कल्पेश और कुमार सो गए थे, जबकि ईश्वर भाई नाव चला रहे थे। अचानक रात को 2 बजे ईश्वर भाई समुद्र के पानी में डूब गए थे, जिसके कारण नाव अकेले ही चल रही थी। कल्पेश और कुमार ने उठकर देखा तो नाव ऐसे ही चल रही थी। दूसरी ओर लगातार 12 घंटों से समुद्र के पानी में तैर के बाहर निकलने का प्रयास ईश्वर भाई कर रहे थे। ईश्वर भाई को दूसरे नाव के लोगों ने देखते ही तुरंत उन्हें बचा लिया गया था और मौत के मुंह से वापस आए थे। ईश्वर भाई को देख परिजनों के आंखों में हर्ष के आंसू आ गए थे। फिशिंग को जाता उठा पसी बाथरूम लाई गई अरे मैं हूँ बार पोक लाई खा ये बिल्कुल कुटिया जाती है पकड़ी रही थी मतलब पौन है तो मुझे डायरेक्ट बार फेंकी दी था ભાઈને કલ્પેશે હું બૂમ મારી કહું એન્જિન ચાલુ છું ને એટલે સંભળાયું નહીં પછી મેં કીધું કે તમે શાંતિથી આવ્યો મેં રૂમ મારી ટેન્શન ખુલ્યા ટાઈમ એમ મેં તો ગમે ગમે નીકળું બા કલાક થાય તે 1 કલાક હું તમને ગમે તેમ નીકળું મને 9 વાગે ત્યાં ઉઠી લે નાની પણ તેને મેં હું બૂમ મારી ને આવું છું તેને હવે તો આવ્યા એમ જે કે તે ભાઈ અરે અમારા ઓની છે ફિશિંગ ખાતામાં ગયેલા
એ પાણીમાં ડૂબી ગયેલા તે પાછા આવ્યા છે હારી રીતે, ને અમે સત્યનારાયણની કથા માની લીધી તે આ કથા પૂરી કરી છે ને હારી રીતે આવ્યા છે. એની સાથે ગયેલા બે જણા સાથે ઉઠા ને બની હારે ત્રણ જણ ઉઠા કે બધા હારી રીતે નીકળ્યા છે. એટલા પૂજા રાખી છે. सिलवासा स्थित नरोली में अपने बहू पर दुष्कर्म करने वाले ससुर को सिलवास पुलिस ने किया गिरफ्तार. कोर्ट में आरोपी को पेश करते 7 दिन के मिले रिमांड. दिनांक 23/11/2018 को संघ प्रदेश सिलवासा के नरोली में रहती 20 वर्षीय एक विवाहिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत में बताया कि 23 तारीख को घर में देवर और ससुर थे. देवर टेरेस पर खेलने के लिए गया हुआ था. सास और अन्य सभ्य बाहर गाँव गए हुए थे. पति नौकरी पे था. उस दौरान ओम प्रकाश ठाकुर ससुर अचानक बहू के बेडरूम में चला गया था और जोर जबरदस्ती दुष्कर्म किया था. बाद में पुलिस शिकायत ओम प्रकाश के खिलाफ दर्ज कराई गई थी. इस केस में आरोपी ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड दिए हैं. आगे की जाँच PSI दीपिका भगत कर रही है. संघ प्रदेश दमन में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई थी विशाल रैली. संघ प्रदेश दमन में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस के उपलक्ष्य में नानी दमन सत्यनारायण मंदिर से विशाल रैली निकाली गई थी. एड्स के बारे में लोग जागरूक हो इसी उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रगण भी मौजूद रहे थे. ये रैली सत्यनारायण मंदिर से निकलकर दमन के हरेक शहरों में घूमी थी और बाद में उसका समापन 3:32 से होते हुए फिर से वापस सत्यनारायण मंदिर पर ही समापन किया गया था. और क्या आप नीचे से सीढ़ियां चढ़ के आए हो? आयो के लिए मैंने देखा है कि जो हमारे यहाँ से प्रिंसिपल उसको कोई प्रकार की बीमारी ना हो, ऐसी हरे वह चाहती है. अगर वह चाहती है आज हम लोग यहाँ पे आप आपका तो इस टाइम कार्यक्रम रखेंगे जो कि हमारे मार्गदर्शन है अनुसार हम कर रहे हैं. जैसा कि आप सब जानते ही हैं आज विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में जो है हमने आज दमन में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत आज जैसे कि यहाँ माची महाजन सार्वजनिक और नर्सिंग कॉलेज और आपके जो बीएड कॉलेज के छात्र हैं उनके द्वारा एक रैली निकाली गई है और जागरूकता रैली है ताकि एड्स के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके. इसके अलावा बांसवाड़ा ग्रामीण फैक्ट्री में भी जो है आज एक सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को एड्स के बारे में जानकारी मिल सके कि ये किस तरह से फैलता है, इसका प्रिवेंशन किस तरह से किया जा सकता है और ताकि जागरूकता बढ़े लोगों को, वो अपना HIV स्टेटस जान सके. इसकी जांच जो है बिल्कुल निशुल्क किसी भी जो है हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें निशुल्क होती है, जाँच भी निःशुल्क है, इसका ट्रीटमेंट भी निःशुल्क है.
साथ ही इसके साथ में हमारा RNTCP प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत, क्योंकि जो HIV पेशेंट हैं उनको टीबी होने की भी खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसके बारे में भी हम जागरूकता फैला रहे हैं। तुगवाड़ा गांव के सरपंच के खिलाफ फिर से एक बार सभ्यों ने रखी अविश्वास की दरखास्त। पाड़ी तहसील के टुकवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच के सामने फिर से 9 सभ्यों ने साइन के साथ अविश्वास की दरखास्त रखी थी, जिसको लेके पूरा दिन ये बात चर्चा का विषय बनी थी। सरपंच योगेश पटेल विरुद्ध नाराजगी व्यक्त कर ये दरखास्त रखते तराटी चिकनेश पटेल ने उच्च अधिकारी को रवाना करने की कार्यवाही शुरू की थी। तो अब फिर से ये अविश्वास की दरखास्त सफल होगी या नहीं, ये देखना रहेगा। दूसरी ओर इस बात को लेके राजकारण में भी गर्मी का माहौल देखा गया। सरकार कायदा घड़ी ने मंजूरी आपी ने हमने वाद आपेला। समाचार में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मोतीवाड़ा हाईवे पर दुर्घटना होते पुलिस की चहल पहल बढ़ रही थी। उसी दौरान एक सरकारी एसटी बस में नवसारी और नर्मदा जिले की 4 जितनी महिलाएं शराब के जत्थे के साथ पकड़ी गई। एसटी बस को पार्टी पुलिस थाने ले जाके शराब का जत्था खाली कराकर अन्य मुसाफिर बैठे हो बस को रवाना किया गया था। कुल पुलिस ने 39,950 का मुद्दा माल जब्त कर मंजू रमेश वसावा निवासी नवागाम लंगड़ी निशाल फलिया नर्मदा जिला, फरहाना अब्बास शेख निवासी नवसारी दरगाह मार्ग, रहना एजाज इस्माइल मंसूरी निवासी नवसारी और लक्ष्मी हसमुख टंडेल निवासी जलालपुर नवसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की थी। दादरा नगर हवेली में महसूल विभाग द्वारा किलवनी ग्राम पंचायत में शिविर का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रशासन के महसूल विभाग द्वारा किलवनी पटेलाद में 1 दिसंबर से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा महसूल विभाग की ओर से किलवनी पंचायत में शिविर का आयोजन रखा गया था। पहले
उपस्थित महसूल विभाग के कर्मचारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद किलवणी ग्राम पंचायत के चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित मेहमानों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। किलवणी ग्राम पंचायत के प्रांगण में इस शिविर का आयोजन RDC सेलवास और मामलतदार की उपस्थिति में किया गया। शिविर में महसूल विभाग की अलग अलग सेवाओं के वारसायोग की प्रक्रिया, नक्शे और अन्य विषयों के बारे में आवेदन स्वीकारा गया। साथ ही विवादित मुद्दों पे योग्य मार्गदर्शन भी दिया गया। कार्यक्रम में RDC राकेश मिन्हास, मामलतदार TS शर्मा, जिला पंचायत सभ्य, सरपंच, पंचायत के सभ्यों, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी सहित कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। साथ ही गांव के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। आज हो जाएगा जो हमने एक वारसाई का कैंप लगाया है, तो इस शिविर में जितना वारसाई दो दो तीन तीन पीढ़ी से नहीं हुआ और लोगों को इस ना होने के कारण बहुत सारी समस्या आ रही थी, उसको ठीक करने के लिए पूरा मामलतदार रेवेन्यू स्टाफ यहाँ पे आकर ये वारसाई आज पूरे दिन के कैंप में करेंगे, ताकि जितने सारे वारसाई पेंडिंग है वो एक ही दिन में हम लोग एक एक गांव करके ऐसा कैंप लगाने का प्लान है और हम एक दिन में जितना वारसाई पेंडिंग है उनको निकाल दें। इसमें लोगों को आज बाहर बताया गया ख़ास तौर से कि जो लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम रहते हैं कि सरकारी ऑफिस में जाने में, काम कराने में बहुत समय लगता है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है, ये इन दो तीन समस्याओं को मन में रखते हुए कैंप लगाया गया है, ताकि लोगों को बता सकें कि सरकार के पास आने में उनको कोई डर या कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमारा खिलौनी पटेल आत्मा आज महसूल शिविर जो रखा है और आ महसूल शिविर में अमरा शिविर में RDC कलेक्टर, मामलतदार साहब और आखो मामलतदार स्टाफ अमरा शिविर में ए शिविर किलवनी और गलौंडा गलौंडा किलवनी पटेल में रखा एम अमरा आदिवासी भाइयों जे खेडूत भाईओ ए पण शिबिर में जमीन वरसाई करवा माटे बधाज हाजर रह्या अने आज सुधी बे थी तण पेढ़ीना जे वरसाई करवानी जे जमीन बाकी हती ए वरसाई माटे RDC कलेक्टर अने जे मामलतदार साहेबे जे हुकम कर्यो अने शिबिर जे राखवामां आवी ए शिबिर में बधाज जे बन्ने पटेलादना जे खेडूत भाईओ हाजर रह्या ये बदल खूब खूब आभार। पार्टी कॉलेज में चल रही परीक्षा में छात्र दे रहे हैं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा। JP पार्डीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में 1080 जितने छात्रों ने सेमेस्टर 1, 3 और 5 की परीक्षा में बैठे हुए हैं। 26 नवंबर से चल रहे इस परीक्षा 7 दिसंबर तक चलेगी, तो शनिवार के रोज शांतिपूर्ण माहौल में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें चोरी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था। दिन के दौरान 3 सेमेस्टर के परीक्षा में 2 घंटे का समय छात्रों को दिया गया था। कुल 50 मार्क्स की परीक्षा रखी गई है। साथ ही नियमानुसार कॉलेज के आचार्य हर्षाबेन पटेल के मार्गदर्शन में परीक्षा के सुप्रिंटेंडेंट प्राध्यापक KB परमार, VK देसाई, SD भावसार, IM मिस्त्री सहित के प्राध्यापक गण भी अपनी फर्ज बजा रहे हैं। इसी के साथ कॉलेज में 200 से ज्यादा छात्रगण शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे रहे हैं। आ यूनिवर्सिटी की परीक्षा छे सेमेस्टर 1, 3 और 5 नी अने MS सेमेस्टर 1 और 3 नी। आ परीक्षा 26/11 थी चालू थी छे अने 7 डिसेम्बर सुधी चालवानी छे। केवा वातावरण में परीक्षा थई रही छे, एवा कोई केस वगैरह कोई आया छे अने केटला विद्यार्थी अंदाजे अहीं एग्जाम में बैठा छे? कॉलेज में आ परीक्षा 3 सेशन में लेवामां आवे छे, 9:45 थी 12:45, 12:30 थी 2:30 अने 3:15 थी 5:15। कुल 1080 विद्यार्थी जेटला परीक्षा आपी रह्या छे। आजनी तारीख सुधी में
કોઈ પણ કેસ નોંધાયો નથી. દાદરાનગર હવેલી નિર્વાચન વિભાગ દ્વારા જાગૃતતા રથ કો ક્યા ગયા રવાના. દાદરાનગર હવેલી નિર્વાચન વિભાગ દ્વારા આગામી લોકસભા ચુનાવો કી તૈયારી કે સંદર્ભ મેં એક નિર્વાચન રથ કો તૈયાર કર લોગો મેં જાગૃતિ લાને હેતુ કલેક્ટર કાર્યાલય કે સામને સે રથ કો કલેક્ટર ઓર RDC ને હરી ઝંડી દિખા કર રવાના કિયા. ઇસ રથ મેં એક બડી LCD લગી હુઈ હૈ જિસમેં કિસ પ્રકાર વોટ દિયા જાય, વોટિંગ મશીન ઓર VVPAT કે બારે મેં જાણકારી પ્રદર્શિત કી જાયેગી. ઇસી કે સાથ ઇસમેં પેમ્પલેટ ભી હૈ જિન્હેં લોગો કો વિતરિત ભી કિયા જાયેગા. यह रथ सिलवासा सहित प्रदेश के विभिन्न गांवों में घूमेगा और लोगों को जागरूक करेगा. गांव के मुख्य चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन भी किया जाएगा जिसमें लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की जाएगी. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल शुरू करने से पहले 15 मिनट इंतजार करें, लेकिन मॉक पोल शुरू कर सकते कम से कम 50 मिनट का एक मॉक पोल करें. मॉक पोल की प्रिंटर स्लिप का निगरानी यह सुनिश्चित करता है कि सभी मशीन सही काम कर रही है. अपलोड बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को यह दिखा दें कि अब कोई भी वोट दबाकर एजेंट को मॉक रिजल्ट दिखाए. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सुनिश्चित कर ले कि कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट और हर उम्मीदवार की इलेक्शन में जो वोटर अवेयरनेस है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वोट जो जाकर डालना है वो एक वोटर को डालना है. जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है इंडिया में वो एक वोटर होता है, और जो भी वोटर है उसको इलेक्शन डालना है, वोट डालना है इलेक्शन में. तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वोटर अपना हक जाने. जो हक उसको हमारा संविधान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सरकार देती है, वो हक जानने के लिए एक अवेयरनेस ड्राइव हम लोगों ने आज शुरू करी है, जिसमें कि एक गाड़ी है जिसमें कि इलेक्शन के होर्डिंग, पैम्फलेट, LCD स्क्रीन जिस पर वोटिंग प्रोसेस की वीडियो चलेगी, वो पूरे सिलवास में और पूरे दादरा नगर हवेली में अलग अलग दिन पे एक जगह जाके लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए वीडियो, पैम्फलेट और बाकी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा. ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है निर्वाचन सदन की, जो स्वीप एक्टिविटी के अंदर आता है, और ख़ासकर VVPAT की अवेयरनेस जो इस साल से हर इलेक्शन में यूज़ हो रहा है उसके लिए ये हमने गाड़ी आज चलाई है. अगले 3 महीने ये गाड़ी पूरे सिलवास, दादरा नगर हवेली में हर जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी. तो इसमें आप लोगों का साथ हमें चाहिए कि आप जो वो मैसेज वो देना चाहते हैं उसको लेकर भारी मात्रा में वोट डालें. स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं, स्कूल में बेसिकली दो तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं. एक स्वीप एक्टिविटी हो रही है, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, और एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया है हम लोगों ने जो कि स्कूल में ही हो रहा है, और बहुत अच्छी मात्रा में बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कलेक्टोरेट बिल्डिंग के बाहर हमने एक मॉडल पोलिंग बूथ बनाया है. वो मॉडल पोलिंग बूथ एक पोलिंग बूथ की तरह होगा जो कि अभी शुरू हो जाएगा, और अगले 6 महीने जब तक इलेक्शन होते हैं, जितना भी टाइम है 4-5 महीना, उतना महीना यहाँ पे रहेगा. कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक आकर हमारा जो पोलिंग स्टेशन में एक वोट डालने, मॉक पोल की तरह वोट डालकर देख सकता है, अपने आप को ये एहसास दिला सकता है कि वोट कैसे डालना है. वहाँ पे हमारे ट्रेनर और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उनकी सहायता के लिए वहाँ पे रहेंगे. तो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये बूथ खुला रहेगा. तो किसी भी नागरिक को अगर वो आकर वोट डालकर देखना है तो वो मॉडल पोलिंग बूथ में भारी मात्रा में आकर उसको यूज करे. वलसाड के अब्रामा में रहते और मेरठ में आर्मी में फर्ज बजा दी युवा ने की खुदकुशी. वलसाड के अब्रामा में रहते और मेरठ में आर्मी में फर्ज बजाते केतन सोलंकी 2 नवंबर को छुट्टियां खत्म करने के बाद मेरठ पहुंचे थे. बाद में अपनी पत्नी के साथ गुरुवार सुबह बात कर रहे थे कि उसी समय सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन कैंट स्टेशन पर पहुंची कि उसी दौरान केतन ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली. 22 इन्फेंट्री डिवीजन में सिग्नल रेजिमेंट में फर्ज बचाते केतन की खुदकुशी के बारे में GRP प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह ने बताया कि जवान के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिली थी. घटना के बारे में जानकारी मिलते ही जवान के परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी. सिलवासा नरोली इंडिया पाड़ा स्थित नित्रेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में एक दिवसीय 108 कुंडीय राजसोई शिव शक्ति का भव्य हुआ समापन. दादरा नगर हवेली सिलवासा नरोली इंडिया पाड़ा स्थित त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में एक दिवसीय 108 कुंडीय राजसोई शिव शक्ति का भव्य आयोजन का समापन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने लाभ लिया था. नरोली इंडिया पाड़ा स्थित त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में महान साधु संतों का सम्मेलन भी हुआ, जिसमें भगवान श्री अनंत विष्णु, देवा प्रभु, वैकुंठ स्वामी, नंद महाराज,
शुग्न श्री हेतल दीदी श्री पूनम गजानन महाराज सहित बड़ी संख्या में संतों का सम्मेलन हुआ। सभी संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी संत मुनि दिल्ली हैदराबाद मुंबई गुजरात इन सभी शहरों से पधारे हुए थे। एक दिवसीय 108 कुंडीय राजसोई शिव शक्ति में दूर दूर से काफी संख्या में भक्तों की भीड़ भी दिखाई दी थी। तक कोई ऐसा सोच नहीं रखी थी कि मैं इतना आगे करके साधु संतों महंतों भारत के जो कर्म के अधीन पे यहाँ एक ऐसा ऊर्जा रहे कि हम ये धरती पे मनुष्य अवतार में आए हैं। आज विष्णु का अवतार परमात्मा के चरण में भगवान विष्णु को स्वागत कर रहे हैं। आज ऋषि मुनि संतों परमात्मा के एक हृदय के फूल होते हैं। इसलिए मैं यहाँ से भारतवासी को मैं ये बोलता हूँ कि आप गलत रास्ते में जाके नर्क का द्वार मत खोलो। आज हम यहाँ परमात्मा के नजीक बैठ के 1.5 घंटा तक बात किया है। ये चमत्कार नहीं है, ये दर्शन है। यहाँ दर्शन का जन्म का दर्शन सबके ऊपर रहे, यही मैं विनंती करता हूँ। ये इंडिया पाड़ा धरती मेरे लिए जन्म जन्मों का संबंधी है। जब मैं द्वापर युग में था तब मैं ये गजानंद महर्षि के वचन दिया था, जरूर आपके पास पहुँचूंगा। इंडिया पाड़ा गाँव में ये महाराष्ट्र और गुजरात के दोनों के बॉर्डर पे है। ये परम पावन धरती है, विश्व की कल्याण की तरफ यहाँ से अंकुरार्पण शुरू हो जाएगा। आज जितना भी देश में अन्याय अधर्म हो रहा है उसके विनाश करने के लिए शंकराव यहाँ से शुरू होगा। इस सिलवासा की धरती इंडिया पाड़ा में हमारे गजानन महाराज ने वाकई जो है कुंभ लगा दिया है। देर दूर दराज से हमारे साधु संत महंत महामंडलेश्वर यहाँ पधारे हैं। साथ में देखिए हमारे विष्णु अवतार स्वामी देवानंद महाराज जी आए हुए विष्णु रूप में जो है। मैं सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ ये भगवान भोलेनाथ का जो 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ गजानन महाराज ने यहाँ आयोजित किया है। आज के 35 साल पहले गजानन महाराज को भगवान भोलेनाथ एक साधु के रूप में दर्शन दिए और उनके साथ बैठ करके भोजन किए। देखिए बाद में गजानन महाराज को मालूम हुआ कि साक्षात भगवान भोलेनाथ इस धरती पर पधारे। उसी समय भगवान भोलेनाथ का विशाल मंदिर यहाँ पर इन्होंने आयोजित किया और भगवान भोलेनाथ जी के पास से बनाया। देखिए मैं सत्य कह रहा हूँ इस इंडिया पाड़ा में आने वाले समय में कितना भव्य विशाल मंदिर बनेगा और भगवान भोलेनाथ का गजानन महाराज के जो है आयोजक संयोजक प्रयोजक होंगे। समाचारों के अंत में आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उमरसाड़ी गांव के एक मछुआरे ने मौत को दी मार। सिलवासा में ससुर ने बहू के ऊपर किया था दुष्कर्म, आरोपी को मिले 7 दिन के रिमांड। दमन में विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई विशाल रैली। टुकवाड़ा में फिर से सरपंच के सामने सभ्यों ने रखी अविश्वास की दरखास्त। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।